नमस्कार। होली पर चंद्र ग्रहण का साया में हमारे खास शो में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। और इस बार होली कितनी ज्यादा खास रहने वाली है, इस बार होली पर 100 साल बाद पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा, इस बार होली का पूजा कैसे की जाए ताकि चंद्र ग्रहण का कोई भी असर ना हो, और साथ ही इस बार होली पर ऐसे कौन से संयोग बन रहे हैं जो कि आपको मालामाल कर सकते हैं, इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया जी और साथ ही ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूजा जी, सवाल मेरा आप ही से कि इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का क्या असर रहने वाला है और 100 साल बाद एक खास संयोग बन रहा है, तो ये लोगों के जीवन पर कैसे असर डालेगा? सबसे पहले न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने कि 100 साल बाद ये संयोग पड़ रहा है कि होली पर चंद्र ग्रहण का साया है। इससे बहुत से लोगों के मन में बहुत से संशय है कि ये चंद्र ग्रहण है, साथ ही पावन पर्व होली का है, तो कहीं कोई विघ्न ना आ जाए, कहीं कोई टेंशन ना हो जाए, कहीं कुछ खराब चीज ना हो जाए। लेकिन मैं इसमें आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि चंद्र ग्रहण जो है भारत में बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। 25 मार्च को सुबह 10:23 से लेकर दोपहर के 3:02 तक, यानी कि 4:36 चंद्र ग्रहण की जो हमारा टाइमलाइन है ये रहने वाली है, और यही मेन टाइम होता है जब सब होली भी खेलते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि चंद्र ग्रहण इंडिया में विजिबल नहीं है, मेनली वो अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे कंट्रीज में ही विजिबल है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सूतक भी मान्य नहीं है, आप निश्चिंत होकर होली खेल सकते हैं। इस दिन बहुत शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जैसे रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वृद्धि योग, तो बहुत ही शुभ संयोग है। अपने त्योहार को आप इंजॉय कीजिए और चंद्र ग्रहण के लिए बिल्कुल भी आप मन में किसी तरह का संशय ना रखिए। राकेश जी, मैं आपके पास पे आऊंगी। जैसे कि पूजा जी ने बताया कि चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बात करें चंद्र ग्रहण की तो इसे धन की हानि के तौर पर भी देखा जाता है, तो ऐसे में क्या उपाय लोगों के लिए ताकि उनको धन की हानि ना हो? देखिए, सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को। चंद्र ग्रहण को ही नहीं, इस होली और होलाष्टक के दिनों को भी धन हानि से जोड़कर देखा जाता है। क्यों? इसका एक छोटा सा सूक्ष्म कारण भी बता दूं जिससे भ्रम भी दूर हो जाए। इन होलाष्टक के दिनों में कहते हैं कि भक्त प्रहलाद को सबसे ज्यादा प्रताड़ना दी गई थी, तो भगवान श्रीहर विष्णु इस समय पीड़ित रहते हैं, इसीलिए शुभ कर्म नहीं होते हैं। और जब भगवान विष्णु पीड़ित रहेंगे तो उनकी सर्वप्रिय जो है मां लक्ष्मी, वह भी पीड़ित रहती हैं और आकस्मिक धन हानि इत्यादि का कर। दूसरा, ग्रहण योग का हुआ क्योंकि कुंडली में या नक्षत्रों में यह घटना हो रही, खगोलीय घटना है, और यहां पर चंद्रमा जो है केतु से पीड़ित रहेगा, और साथ ही साथ एक विशेष ध्यान देना है, सूर्य राहु के साथ पीड़ित है और चंद्रमा चलित लक्ष्मी का भी कारक है, तो इस बार होली जो है वह धन हानि से जोड़कर भी देखी जाएगी। आकस्मिक धन हानि, स्वास्थ्य पीड़ा, मानसिक पीड़ा के साथ जोड़ी जा रही है, तो थोड़ा सा सावधान आप सभी दर्शकों को रहना है। पहला गुलाल आप भगवान को अर्पित करें, उस समय भी यह मंत्र जपना है, क्या है? ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का जाप करने से श्रीहर विष्णु और भगवान शिव यानी कि रुद्र देवता स्वयं प्रसन्न होंगे और हम सभी को हर प्रकार की कष्ट और पीड़ा से मुक्ति प्रदान करेंगे। तो आपने जाना कि कैसे महादेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं होली के त्योहार पर। पूजा जी, आपके पास में मैं आऊंगी। ऐसे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं पूजा पाठ को लेकर, अब चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो क्या कोई खास पूजा पाठ की जाए और आप कौन से मंत्र बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, चंद्र ग्रहण तो पड़ ही रहा है, तो चंद्र ग्रहण का जो समय, जो ग्रहण का समय होता है, वो मंत्र सिद्धि का समय होता है। इस समय यदि आप कोई भी मंत्र, जिस भी आप इष्ट देवता को मानते हैं उनके मंत्रों का यदि आप उच्चारण करेंगे, तो वो मंत्र कहते हैं कि सिद्ध हो जाता है, उस मंत्र का 1000 गुना फल आपको मिलता है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है, चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, तो ऐसे में जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है तो उन लोगों को थोड़े से मेंटल टेंशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल
कोलेस्ट्रॉल उनके हाई हो सकते हैं, तो आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, आप भगवान विष्णु का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं। अगर आपको बार बार हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, साथ ही अपने इष्ट देवता का आपका जो मूल मंत्र है आप उसका भी जाप कर सकते हैं। किसी भी तरह का जाप कीजिए, आपको मंत्र सिद्धि का ये समय बहुत ही शुभ होता है और आपको हर मंत्र का 1000 गुना फल मिलता है। और राकेश जी आपके पास में मैं आऊंगी। चंद्रमा मन का स्वामी माना जाता है और होली को प्रेम और अच्छे संबंधों का त्योहार माना जाता है। अब ऐसे में चंद्र ग्रहण के लिहाज से रिश्तों को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, उसके लिए क्या उपाय होंगे? अगर आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रेम संबंधों में पीड़ा मिल रही है, आपके वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें आ रही हैं या किसी भी तरीके से, तो एक साधारण उपाय है, श्रीहरि विष्णु का प्रेम का रूप है भगवान श्री कृष्ण, और क्या करना है आपको, एक मंत्र का जाप करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप अपने पत्नी को, अपने मित्र को, अपने किसी भी जिसके साथ आपके संबंध विच्छेद हो रहे हैं, संबंधों में दिक्कतें आ रही हैं, उनको लाल या पीला गुलाल लगाते हैं इस मंत्र का मानसिक जाप करते हुए, तो आपके जीवन से हर प्रकार की पीड़ा दूर हो जाएगी। तो आपने जाना कि कैसे रिश्तों को आप और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। अब पूजा जी मेरा सवाल आपसे है कि होली पर चंद्र ग्रहण है, आखिर क्या बातें ऐसी हैं जो कि ध्यान रखने की जरूरत है और कौन से काम ऐसे होते हैं जो कि होली पर नहीं करने चाहिए? देखिए बहुत ही शुभ समय है होली का, लेकिन चंद्र ग्रहण भी है, तो सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी बाहर ना निकले अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो, क्योंकि होली के आसपास नकारात्मक शक्तियां जो है वो बहुत ज़्यादा उजागर रहती हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी प्रेग्नेंट लेडीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। होली के आसपास के कुछ दिन, जैसे होलाष्टक लग जाता है, होलिका दहन की रात होती है और ग्रहण की भी रात है, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, तो ऐसे में जो लेडीज़ हैं अपने बाल खुले बिल्कुल भी ना छोड़ें, बाल बांध के रखें क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। होली के आसपास के दिनों में यदि आपको कोई कुछ खिलाता है, जैसे लौंग या इलायची या कोई सफ़ेद मिठाई, तो किसी के भी हाथ से कुछ भी खाना अवॉइड कीजिए आप। और होली के आसपास के दिनों में आप हो सके तो घर में सुख शांति बना के रखिए, कलह बिल्कुल ना करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान आप करते रहिए, साथ ही अपनी पहनी हुई कोई भी वस्तु या कोई भी वस्त्र आप किसी को ना दें, क्योंकि इससे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टोने टोटके होते हैं, ग्रहण भी है और होली के भी दिन है, तो इस चीज़ का आपको बेहद ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। साथ ही चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण के बाद आप दान पुण्य अवश्य करें। आपके घर में यदि कोई कुछ मांगने आता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल ना जाने दें, उसको कुछ ना कुछ देकर ही अपने घर से विदा करें। तो क्या उपाय आपको करने चाहिए और वो कौन कौन से काम जो आपको नहीं करने चाहिए, ये पूजा जी ने बताया। राकेश जी आपके पास में आऊंगी। होली को नेगेटिव ऊर्जा दूर करने के लिए भी काफी अच्छा त्योहार माना जाता है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण भी है, तो इस बार होलिका दहन पर वो कौन से खास उपाय हैं जो कि लोगों को करने चाहिए? यहाँ पर भगवान श्रीहरि विष्णु का एक जो है वह अचूक मंत्र है, ओम श्रीहरि मरकट मरकट मरकटाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप जहाँ भी घर का मंदिर हो वहाँ पर प्रातः काल उठ करके आप जपें, और वहाँ पर उसके बाद श्रीहरि विष्णु को और भगवान भोलेनाथ को गुलाल अर्पित करें, और साथ ही साथ घर के बाहर किसी कच्चे बर्तन में ले जा करके दक्षिण दिशा में घर के बाहर आप प्रेतीय या पितरों को भी रंगों का यानी कि गुलाल रखने का विधान है शास्त्र में, तो यह जरूर करिए। किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा होगी, पीड़ा होगी, वह दूर हो जाएगी, आपके लिए आपका जीवन सुखमय रहेगा। पूजा जी आपके पास में आऊंगी। कहते हैं कि ग्रहण में पूजा नहीं की जाती है, अमूमन हम देखते हैं कि मंदिरों में भी कपाट बंद रहते हैं जी। अब लोगों के मन में सवाल होगा कि होलिका दहन पर पूजा आखिर कैसे की जाए और साथ ही शुभ मुहूर्त क्या होगा? होली के मुहूर्त की जहां तक बात है तो होली का जो पावन पर्व है वो फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि इस बार 24 मार्च को सुबह 9:54 पे लग रही है और वो रहेगी 25 मार्च को दोपहर के 12:29 तक। लेकिन साथ ही यहाँ पे हमारे भद्रा का भी साया
24 मार्च को 9:55 से शुरू है और वो रात के 11:12 तक रहने वाला है। तो इस बार होलिका दहन जो है रात को 11:13 से लेकर रात को 12:27 तक ही हो पाएगा। तो ये शुभ मुहूर्त का आप ध्यान रखिए होलिका दहन के लिए। और 25 मार्च की तो हम होली मनाएंगे ही। जहाँ तक पूजा पाठ की बात है तो आप पूजा विधि जिस तरह से आप होलिका दहन करते हैं तो सबसे पहले तो नहा धोकर आप स्वच्छ रहें और उसके बाद पूरब की तरफ आप जो है अपना मुंह करके आप अपनी होलिका जो है वो सजाएं। आप गोबर से प्रहलाद की मूर्ति और होलिका की मूर्ति बनाएं। साथ ही जो पूजा की सामग्री होती है जैसे नारियल होता है, रोली मोली अक्षत रखते हैं, फूल मालाएं रखते हैं, फल रखते हैं, 7 तरह के अनाज रखते हैं, ये सब जो है आप रखें और विधिवत पूजा करें। साथ ही आप होली की जो है जब होली की अग्नि जलती है तो आप उसकी परिक्रमा करते हुए आप जो है अपनी मैनिफेस्टेशंस कीजिए। जो भी आपकी ज़िंदगी के कष्ट हैं आप होलिका के कहते हैं ना कि होली की आग में आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं, आपके जितनी भी ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। आप विधिवत पूजा करके आप जो है अपनी जो भी आपकी इच्छाएँ हैं वो आप रख सकते हैं और इसी तरीके से आप होलिका पावन पर्व मना सकते हैं। तो आपने जाना कि कैसे विधि विधान के साथ में पूजा की जाए। राकेश जी आपके पास में आऊंगी। ऐसा माना जाता है कि अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो भी आप होलिका पूजा करके उसे दूर कर सकते हैं, तो वो कौन सी ऐसी विधि होगी, क्या ऐसे उपाय हैं ताकि अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं लोगों को तो उसे ठीक किया जाए। किसी को भी अकारण कुछ न कुछ बीमारी होती रहती है, दवाएं असर नहीं करती हैं, टेस्ट कराते हैं कोई चीज़ें रिकवर कुछ दिखती नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलती है, तो ऐसे में चाहे आप होली जलाते हुए या फिर अगले दिन यानी कि 25 तारीख को जब हम होली मना रहे होंगे उस दिन 11 लौंग और 11 इलायची लेकर दाहिने हाथ में और थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिएगा और आप शांत मन से 11 बार इस मंत्र का जाप करिएगा। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्योम नमाम्यहम। इस मंत्र से भगवान श्रीहर विष्णु का वह विकराल स्वरूप जो नरसिंह अवतार का है जिससे कहते हैं कि मृत्यु भी भय खाती है, तो अगर किसी भी तरीके की पीड़ा होगी, किसी की कुंडली में अगर अकाल मृत्यु की पीड़ा भी होगी तो वह भी दूर होगी। और यह जो 11 लौंग 11 इलायची आपने लिया हुआ है यह अगर होलिका दहन के समय प्रयोग कर रहे हैं तो उसी में आप डाल दीजिए, और अगर होली के दिन यानी 25 तारीख को आप इसको ले रहे हैं तो यही 11 दिनों तक आप किसी पदार्थ में चाहे चाय में चाहे इसका चूर्ण बनाकर के किसी न किसी प्रकार से प्रथम आहार में आप इसको लीजिए यानी कि इसको खाइए एक एक करके, तो आपके जीवन से हर प्रकार की पीड़ा, स्वास्थ्य पीड़ा हो या मृत्यु भय हो, वह भी दूर होगा। दंपति के जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है मैरिज से रिलेटेड, तो उनको क्या करना है, उनको होली वाले दिन जैसे कहते हैं ना लाल बाती का दिया जलाना है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और उनको जो है आपको प्रसाद अर्पण करना है। प्रसाद किस चीज़ का बनाना है, आपको खीर का भोग लगाना है। यदि पति पत्नी मिलकर खीर का भोग लगाते हैं तो कहते हैं कि उनके दंपति जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं वो कम हो जाएंगी। अगर परिवार में बहुत ज़्यादा खटपट रहती है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, तो आपको क्या करना है, आपको एक सूखा नारियल लेना है, उसमें चीनी भरनी है और होलिका दहन की परिक्रमा जब आप कर रहे होते हैं तो होलिका दहन में वो सूखा नारियल चीनी से भरा हुआ आपको उस अग्नि में डालना है। इससे आपके जो रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी और आपके रिश्ते और भी पॉजिटिव और मधुर होते जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा खटपट हो रही है, घर में कलेश हो रहा है, तो आपके काम भी बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपनी लंबाई का जितनी आपकी हाइट है उतनी हाइट का आपको एक लाल धागा लेना है, उसको नारियल में लपेटना है और उसको होलिका दहन की अग्नि में समर्पित करना है और साथ ही ये कामना करनी है कि आपकी ज़िंदगी में आपके परिवार में जितने भी कष्ट आ रहे हैं वो सब कष्ट आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएं। अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो होली वाले दिन आपको क्या करना है, शिवलिंग पर हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। साथ ही आपको क्या करना है, पान का पत्ता लेना है, लौंग लेनी है, 5 लौंग 5 इलायची और 5 हल्दी की गांठ यदि आप समर्पित करते हैं होलिका वाले दिन, तो भी आपकी जो विवाह संबंधित समस्याएं हैं, जो विवाह के योग नहीं खुल रहे हैं, कोई विघ्न आ रही है, तो विघ्न आपकी दूर हो जाएगी। अगला सवाल राकेश जी मेरा आपके साथ में है, होलिका दहन की राख भी काफी ज्यादा खास होती है, उसको लेकर भी लोग कई तरह के उपाय करते हैं, होलिका की राख से जुड़ा हुआ कोई आप उपाय बताइए ताकि
जिससे लोगों को सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। होलिका दहन के बाद तदुपरांत जैसे ही राख ठंडी होती है, प्रथम होली जो खेली जाती है, जो प्रथम हम किसी को लगाते हैं वह राख ही लगाते हैं। तो अगर किसी बच्चे को देखे, दो तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो प्रथम जो आप होली के उपलक्ष में कुछ लगाएं, अपने चेहरे पर तिलक करें, वह होलिका के राख से ही करें। उससे क्या होगा कि आपके जीवन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता है, किसी भी तरीके की रुकावट आ रही है, कार्यों में रुकावट आ रही है, बाधा आती है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो भी वहां पर आपको लाभ होगा। बच्चे को तिलक करिए और भगवान शिव और विशेष रूप से श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हुए, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कि माँ रक्षा करिए हर प्रकार से। दूसरा एक विधान है राख का, होलिका के राख का, कि अगर हम होलिका के राख से पहला तिलक करते हैं तो उस दिन किसी भी प्रकार का अगर अनिष्ट योग, जैसे कि सूर्य राहु की युति बन रही है, ग्रहण युति है, और साथ ही साथ चंद्रमा केतु प्रभावित कर रहा है और ग्रहण भी है, तो आज इस बार होली पे तो जरूर आप लेकर के राख और भगवान श्रीहरि विष्णु या फिर भगवान शिव के मंत्र के साथ, और बीज मंत्र लीजिएगा जो महामृत्युंजय का बीज मंत्र है, ओम हौं जूं सः। इस मंत्र से अगर तिलक करते हैं, और सबसे पहले अपने बड़ों को भी प्रणाम करके तिलक करिएगा और अपने माथे पर भी तिलक करिए, या बच्चे के माथे पर अगर तिलक करते हैं इस मंत्र के साथ, तो यह अमृत संजीवनी योग का निर्माण करेगा और आपके जीवन में कभी भी किसी तरीके की कोई पीड़ा नहीं आ पाएगी। तो राकेश जी ने यहाँ पर राहु का जिक्र किया, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है पूजा जी आपसे। ऐसा माना जाता है कि शनि राहु केतु से संबंधित कष्टों को दूर करने के लिए भी होलिका दहन की पूजा की जाती है, और इस बार चंद्र ग्रहण भी है, तो किस तरह से पूजा की जाए और क्या खास उपाय हैं? आप होलिका दहन वाले दिन आप जो है एक छोटे से काले कपड़े में कुछ काले तिल लेकर अपनी पॉकेट में रख लीजिए, और जब आप होलिका दहन करेंगे तो उस अग्नि में वो जला दीजिए, अपने ऊपर से 7 बार वार लीजिएगा, ताकि एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिएगा, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो उतर जाएगी। और साथ ही जो होलिका की जो भस्म होती है, यदि आप अपने दाहिने हाथ की पहली 3 उंगलियां लेकर उस भस्म को ऐसे अपने माथे पर त्रिपुंड बनाते हैं, तो उससे भी कहा जाता है कि अगर कोई आप पे किसी ने कुछ किया कराया है, जो नेगेटिविटी है, राहु केतु का इफेक्ट है, शनि का इफेक्ट है, वो कम हो जाता है, और आपके दुश्मन जो हैं वो आपको हराने में कभी भी कामयाब नहीं होते हैं और आप पर विजय नहीं पा पाएंगे। राकेश जी अगला सवाल मेरा आपसे है, कई बार लोगों के जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी दूर नहीं होती, या फिर वो उपाय करते हैं लेकिन उन परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल पाता। इस बार होलिका दहन और साथ ही चंद्र ग्रहण भी है, तो क्या इस खास संयोग में कुछ ऐसा उपाय किया जा सकता है जिससे कि लंबे समय से जो परेशानी चली आ रही है उसे दूर किया जा सके? होली की रात ही आप लोग, या अगर जिस दिन होली खेली जा रही उस रात्रि को भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है आपको, खीर बनानी है, खीर बना करके मीठी खीर बनानी है, और ले जाकर अगर हो उपलब्ध तो उसमें केसर डाल लें, नहीं तो जब खीर बन जाए, पक जाए, तो उसके बाद हल्का सा उस पर हल्दी जो है वह डाल दीजिए, और ले जाकर के पीपल या बरगद की जड़ में, और याद रखिए यह दिन डूबने के बाद रात्रि बेला में ही प्रयोग करना है, अपने हाथ से ले जाइए, जिसके भी जीवन में यह पीड़ा हो वह ले जाकर के पीपल या बरगद की जड़ में ले जाकर के रखे, कहीं एकांत अगर पौधा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, और वहीं पर बैठ करके कुछ देर श्रीहरि विष्णु के मंत्रों का, नाम का, चाहे वह भगवान श्री राम के ही नाम का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र बीज मंत्र करें। पूजा जी, राशियों को अगर चंद्र ग्रहण और होली से जोड़कर देखें तो लोगों के मन में एक सवाल होता है कि उनकी राशि पर कैसा असर रहेगा, तो क्या कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनको सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, जिस तरह से चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण जो है अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और वो खुद ही ग्रसित हैं, तो कर्क राशि वालों को थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है, मेंटल टेंशन हो सकती है। साथ ही ये जो ग्रहण जो है वो कन्या राशि में लग रहा है, तो कन्या राशि के जातकों को भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल इशूज़ आ सकते हैं, लेकिन साथ ही उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। सूर्य जो है इस बार वो
भी राहु के साथ हैं, तो जो सिंह राशि वाले हैं उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए समय मिला जुला रहने वाला है, उनको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे चंद्र ग्रहण के। वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा योग बनता हुआ नज़र आ रहा है, वृषभ राशि वालों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे चंद्र ग्रहण के। मिथुन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो मिथुन राशि के लिए जो है यात्राएँ हो सकती हैं और उनको यात्रा में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि किसी तरह की कोई इश्यूज़ ना आए। कन्या राशि में जैसे ग्रहण लग रहा है तो कन्या राशि वालों को धन संबंधी समस्याएं हो सकती है, तो अपने फाइनेंसिस को अच्छे से मैनेज करके रखिए। तुला राशि के लिए जो है 12वें भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो तुला राशि वालों के धन व्यय कुछ ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उन्हें भी सावधान रहने की ज़रूरत है और हेल्थ इश्यूज़ और खास करके मैरिड लाइफ में उनको थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं। वहीं हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए ये शुभ संयोग लेकर आ रहा है, उनकी पदोन्नति, उनका प्रमोशन, उनके ट्रैवल के चांसेस खोल रहा है। उसी तरीके से हम धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के लिए जो है ये शुभ यात्राएं का योग नज़र आ रहा है, साथ ही उनको नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती नज़र आ रही हैं। मकर राशि की यदि हम बात करें तो मकर राशि में जो लोग हैं उनको थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा जो है इनको कोई भी अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। वहीं कुंभ राशि वालों के लिए वर्क प्लेस में थोड़े से इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों को वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे ना लें और अपने सीनियर से ज़रूर कंसल्ट करें। वहीं मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी आइस का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखें मीन राशि वाले, और साथ ही बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही कोई भी काम करें। और मेरा आखिरी सवाल है राकेश जी आपसे, पूजा के दौरान में आखिर कौन से ऐसे काम है जो कि नहीं करने हैं? हम बात कर ले होलिका दहन की पूजा की या फिर रंग खेलने के दौरान कौन से ऐसे काम होते हैं जो कि आप लोगों को करने के लिए मना करेंगे? देखिए बहुत ही उत्तम प्रश्न है, आज होली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों का हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर देखा गया है कि ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि कई परिवारों में खुशियों की जगह जो है वह एकदम से निराशा आ जाती है, छोटी छोटी दुर्घटनाएं किसी न किसी वजह से आ जाती हैं। सबसे पहले तो प्रयास करना है कि नीले या गाढ़े रंगों का, बहुत ज़्यादा गाढ़े रंगों का प्रयोग इस बार आप लोग मत करिएगा, वैसे तो सामान्यतः नहीं किया जाता है लेकिन विशेष रूप से बहुत गाढ़े नीले या बहुत जो कई बार लोग काले रंगों का भी प्रयोग करते हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ पूजा के लिए यहाँ पर विशेष रूप से दो चीज़ों की यहाँ पर पूजा का जिक्र हो रहा है, पहला कि जो होली दहन की पूजा करते हैं पहली बात उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना है, जो भी होली दहन का होलिका दहन की पूजन करेंगे उनको रात्रि में शयन नहीं करना है। जैसे कि पूजा जी ने बताया कि रात्रि बेला में इसका मुहूर्त है, तो रात्रि बेला में दहन के बाद नियमतः यह शास्त्रोक्त नियम है कि आपको दहन के बाद शयन नहीं करना चाहिए। कैसे होलिका दहन पर छोटे छोटे उपाय करके आप जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं और सौभाग्य का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। पूजा जी आपका बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका बहुत शुक्रिया, और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।